नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पटेल फिर से एक बार आप सबका रिज्यूनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार यमुना नदी के किनारे यशोदा मैया दिए दान कर रही थी। जब दिए प्रवाह कर रही थी, तब सामने कृष्ण जी एक लकड़ी के ऊपर बैठे थे और जैसे जैसे दिए उनके पास आते जाते थे, वो एक एक दिया उठा के लकड़ी पे रखते जा रहे थे। तभी यशोदा मैया ने किशन जी के सामने देखा और बोला कि लल्ला, ये तू क्या कर रहा है? तब किशन जी ने बताया कि मैं ये दिए डूब रहे हैं नदी में, तो उन्हें बचा रहा हूँ। तो यशोदा जी मुस्कुराई और उन्होंने बोला कि किशन, तुम किन किन को बचाओगे, कितने दियों को बचाओगे? तब किशन जी ने बताया कि मैंने सबका ठेका थोड़ी लेके रखा है, जो दिया मेरी ओर आएगा उसी को तो मैं बचाऊंगा। अब यहाँ बात है स्पिरिचुअलिटी की। अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि हम भी उनकी भक्ति करते हैं या हमें उनकी ज़रूरत है? अगर हम उन्हें बोलेंगे कि हे प्रभु, हमें इसमें से बचाओ, तभी तो वो अपना हाथ देंगे और हमें उसमें से बाहर निकालेंगे। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हम बहुत इमोशनल है, तो हमें उस इमोशंस को कंट्रोल करना है ताकि हम बीमार ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो हमें उसमें स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, तभी हम अपना ध्यान लगा पाएंगे और ध्यान लगेगा, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा और सारी बीमारियों से हम मुक्ति पा सकेंगे। अच्छा, तो इसी एपिसोड में हम वापस से बात करने वाले हैं इसी सब बीमारियों के बारे में, और इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल से। तो आइए उन्हें फिर से एक बार इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर, फिर से एक बार आपका इस मंच पर स्वागत है। वेलकम। ओम ओम शांति। शांति। तो लीवर से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी आती है? जब भी हम लीवर की बात करते हैं, हमने समझे अभी कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे अच्छी केमिकल फैक्ट्री है कि नहीं, जिसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको कहा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, कि अधिकतर शराब पीने वालों में जो लीवर है उसमें फैट जमा होती है और समस्याएं निर्माण होती है। परंतु जो शराब नहीं पीते और मोटे है उनमें भी यह समस्या हो सकती है। इससे से जुड़ा एक किस्सा याद है। एक आंटी थे जो हमारे नेबर थे, और वो इतने मोटे नहीं थे, नॉर्मल स्ट्रक्चर था। वो तो एकदम भक्ति भाव वाले, कोई व्यसन नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी उनका ये फैटी लीवर का उनका प्रॉब्लम था। मतलब मुझे बीमारी का नाम नहीं पता चल रहा है, पर लीवर में जो चर्बी की परत बनती है वो बन वो, रही और थी। फिर उसको डाइजेशन की भी शायद प्रॉब्लम होती है हाँ, उससे। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, लेकिन कई हाँ कारण है। भी सिरोसिस ऑफ लीवर भी एक और बीमारी है जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें स्ट्रेस भी रीजन है, अच्छा कुछ मेडिसिंस भी रीजन है, जो ओके स्टीरोइड्स लेते आदि मेडिसिंस भी कॉज हो सकती है। परंतु जो कंट्रोलेबल है ना, क्यों ये बात मैंने क्यों जिक्र किया, क्योंकि वेट को कम करना बहुत जरूरी है। जिनको जॉन्डिस हो जाएगा उन्हें भी फिर आगे चल के समस्या हो सकती है। अच्छा आजकल जो विशेष बहुत चर्चा जिसके बारे में हो रही है वो हिपेटाइटिस, ओ या हिपेटाइटिस ए बी सी, नहीं यस आपने भी सुना होगा, ये डेंजरस बीमारियां हैं। और क्योंकि ये हुआ तो भी काफी समय तक पता नहीं चलता है, ओके और ये जो स्प्रेड होती है वो फ्लूइड से स्प्रेड होती है, अच्छा जैसे भी ब्लड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डेफिनेटली चेकिंग होती है, पहले जब चेकिंग नहीं होती थी तब काफी लोगों को हुआ। अच्छा फिर जो लोग ड्रग्स लेते हैं, हाँ जी जो ड्रग एडिक्ट्स है और नीडल को यूज करते, सेम नीडल, या तो कई बार तो मुझे तो आश्चर्य हो, मैंने सुना ये तो कि छोटे छोटे गाँव में वो कंपाउंडर एक ही सीरिंज में भरता है ना, फिर 2 ml एक को दिया, 2 ml दूसरे को दिया उसने, ओ जैसे कोई टॉनिक इंजेक्शन दे रहा है। तो ऐसे भी हुआ है अच्छा ना, तो क्योंकि एक को है तो उसमें आया, फिर तुरंत उसने दूसरे को दिया और निडल को ठीक नहीं किया। ऐसा भी सब करते हाँ हैं। हाँ जैसे चाइल्ड बर्थ के समय भी ओके अगर माँ को हिपेटाइटिस है तो बच्चे को होने की संभावना बढ़ती है। अच्छा हाँ, शारीरिक संबंध बनाते हैं हाँ जी तो तभी भी एक को यह है तो दूसरे को होने की वह संभावना बढ़ेगी। ओके अच्छा, और ये टैटू भी बनाते हैं हाँ, आजकल। टैटू कर परफेक्ट, क्योंकि तुरंत अगर यूज किया ना, वो नीडल को स्टरिलाइज किया फिर तो कुछ नहीं होगा, ओके परंतु तो स्टरिलाइज नहीं किया नीडल को और किसी को है तो दूसरे को होने की अच्छा, संभावना क्योंकि बढ़ अभी तो जाएगी। सब डिस्पोजेबल यूज करते हैं तो हाँ, तब तो चांसेस नहीं, कम नहीं है। लेकिन तो इसीलिए, क्योंकि एक अवेयरनेस होना जरूरी है राइट राइट कि कोई ऐसा अनएजुकेटेड व्यक्ति है जो टैटू बनाना तो सीख गया परंतु तो उसको ये मालूम नहीं है, ओके तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। अच्छा तो ये प्रिकॉशंस लो
तो प्रिवेंटेबल है, ओके और जिनको ऐसे चांसेस है उनके लिए तो वैक्सीन्स भी है। ओके जैसे जो डॉक्टर्स फ्लूइड आदि को हैंडल करते हैं, अभी आजकल तो ग्लोव्स पहन के ही करेंगे, ओके लेकिन फिर भी जो हाई रिस्क ग्रुप्स है उनको, उनके लिए वैक्सीन्स भी है। ओके अच्छा सर, आप ये जो बात बता रहे कि हिपेटाइटिस की जो भी बीमारी होती है तो वो इसी तरह से फैलती है। अच्छा, जो इसके पहले आपने हमें बताया कि फैटी लिवर का जो प्रॉब्लम होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि मैंने भी आपको एक आंटी का एग्जाम्पल दिया, उन्हें कोई मतलब व्यसन नहीं था और उनका वजन भी ज़्यादा नहीं था, तो उनको क्यों हुआ? ड्रग्स हो सकते हैं ना वो ड्रग्स कि नहीं कोई भी, लेते? नहीं, वो ड्रग्स नहीं, जैसे अच्छा कि भी कोई मेडिसिन लिया, ओके मेडिसिन के रूप में चाहे उन्होंने अच्छा लिया, स्टीरॉइड्स अगर कोई डॉक्टर ने दिए, ओके अच्छा, ये फैटी लिवर है क्या एक्चुअली? कि उसमें मतलब कि वो फैट जमा होती है, फैट की परत जमा होती है, ओके और जब उसमें काफी फैट हो गई तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। अच्छा उसका जो अपना काम है, कहा कि ये केमिकल फैक्ट्री हाँ है जी ना, उसको सब हाँ केमिकल्स बनाने हैं, है ना, बाइल का प्रोडक्शन करना है, वो नहीं कर पाएगा। ओके और भी जो उसकी एक्टिविटी हमने समझा है कि विटामिन के का आधार लेकर के वो क्लॉटिंग को ठीक बनाता यस है ना। अभी जैसे कि अमोनिया रिलीज हो गया तो हाँ उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर देता है, यस फिर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल को तुरंत ही न्यूट्रलाइज करता है। राइट तो सारी जो उसकी एक्टिविटीज है वो ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि आसपास में बहुत सारी फैट जमा हो गई। सही है। तो अभी वो क्योर करने के लिए क्या करना है? एक तो जो ट्रीटेबल है कि भी आप वेट को कम करो, यहाँ ओके पर वैक्सीन्स हेल्प करेंगे, ओके कुछ हद तक मेडिसिन्स हेल्प करेंगी, अन्यथा कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं है अच्छा, तो वो परत जो जमी हुई है उसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता? ऑपरेट नहीं कर, क्योंकि वो तो अंदर अंदर है ना, अच्छा वो ऐसे कुछ नहीं कि ऊपर से, फॉर एग्जाम्पल कि पेट में चर्बी है तभी ऑपरेशन से सक्शन से भी निकाल लेते, लाइपोसक्शन करके उसको निकाल लिया, लेकिन यहाँ कोई लीवर के ऊपर नहीं है कि उसको सक कर करके आप निकाल दो, अच्छा है ना। तो एक प्रकार से तो काफी हद तक परमानेंट डैमेज हो गया, अच्छा अब तो उसका उसको को प्रिवेंट ही कर रहे हैं, मतलब इन चीजों अच्छा को प्रिवेंट करना ही अच्छा है। भी ओके जॉन्डिस है तो फिर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके अभी ये जो फैटी लीवर का जो डिजीज है उसका तो अभी सॉल्यूशन जैसे आपने बताया कि नहीं हो सकेगा, कुछ हद जो तक होगा उसकी हाँ जो जो हंड्रेड परसेंट क्योर नहीं ना, होगा, तो ये ना हो उसके लिए हमें क्या ध्यान हाँ तो रखना है? बस ना हो तो यही चीजें है कि भी अल्कोहल का सेवन नहीं करो, ओके सबसे इम्पोर्टेंट। जब मेडिसिन लेते तब डॉक्टर भी इस बात को ध्यान दे। अच्छा हमारी भी कुछ दवाइयां हैं जो लीवर पर बुरा असर डालती है, तो हम वो चेकिंग करवाते हैं, है ना, कुछ कुछ समय में, जैसे हर 3 महीने में चेक कराओ, क्योंकि उसको जरूरत है ना। वेलपोरिक एसिड की दवाइयां है कि जो अच्छा स्टेबिलाइजर्स है, परंतु तो लीवर पर असर कर सकती है, तो अगर आप चेक करते रहो तो समस्या नहीं होगी, ओके या राइट शुरुआत भी हुई आप उसे स्टॉप कर सकते हैं, राइट तो वो एक जो ध्यान है वो रखना है। और जो स्प्रेड होता है हिपेटाइटिस, उसको प्रिवेंट करना ही सबसे अच्छा है, अच्छा क्योंकि अल्टीमेटली तो नहीं, वो डेथ की ओर ले जाता है व्यक्ति राइट को। अच्छा, जी इसके जी अलावा और क्या जो डिसीज है जो लीवर से जुड़े हुए हैं? लीवर से जुड़े हुए तो जैसे भी जॉन्डिस हो सकता है, वहां पर कैंसर हो सकता है लीवर में, ओके कैंसर सेल्स एक बार डेवलप हुए तो कैंसर भी हो जाएगा। गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको भी लीवर की कहेंगे, अच्छा उसमें स्टोन हो सकता है। ओके हाँ राइट अच्छा सर, आप ये जो हमने बात की कि जैसे फैटी लीवर है या जैसे जॉन्डिस है, तो दूसरी जो भी बीमारी होती है लीवर से जुड़ी हुई, तो वो हमें पता कैसे चलेगा? उसके कोई सिम्टम्स तो होंगे ना? जैसे भी जॉन्डिस का सिम्टम्स तो हम जानते हैं, हाँ सिरोसिस का लीवर सिम्टम्स कैसे आते हैं, एक तो व्यक्ति थक जाता है कई बार, ओके है ना, नौशिया भी हो सकता है उसको, नौशिया मतलब मतलब कि भी वॉमिटिंग का ओके सेंसेशन हो, है ओके ना, उससे थकावट होती है, एनर्जी लेस हो जाता है ना। अच्छा और फिर जब इसमें तो एक्चुअली टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, लीवर ओके फंक्शन टेस्ट है, अच्छा लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तब पता चलेगा कि ओके जो उसके लेवल्स है वो कैसे खराब हुए है। और ओके फिर तो हम बायोप्सी से और डिटेल में जान सकते हैं अच्छा कि भी कितने राइट हद तक क्या समस्या हुई है, एमआरआई के द्वारा भी फिर और जान सकते हैं कि ओके कहाँ तक ये फैला हुआ है। राइट अच्छा सर, ये बात तो जैसे हम जो डायग्नोसिस करना है उसकी हुई, पर जैसे मुझे कोई डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, अब मैं इतनी अवेयर नहीं हूँ और मैंने वो ले ली और उसके अंदर स्टीरोइड्स हैं, तो
तो ये तो होता रहता होगा। अभी इसके लिए कैसा होता है कि रेगुलर जैसे अपने डेंटिस्ट के पास जाने के लिए हमें बोला था और फिर फुल बॉडी चेकअप हम कराते हैं, तो क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर चेकअप और कितने ये हर समय एक का के दौरान डिफरेंट कराना होगा। है? जैसे मेरा, मैं अपना जानता हूँ कि हम सोडियम वेलपोरेट देते हैं पेशेंट्स को एज अ ओके स्टेबिलाइजर, तो मैं तो जनरली तो ये करता हूँ कि शुरू में करवाता हूँ, ओके स्टार्ट करने से पहले करवाते हैं, ताकि पता चले कि ऑलरेडी अगर उसका लीवर कहीं तक डैमेज है तो फिर उसको ना दे। हाँ, अच्छा और फिर मैं जो करवाता हूँ 6 महीने के बाद करवाता हूँ, ओके ताकि अगर स्टार्ट भी हुआ है तो समझ में आ जाता ओके है। और फिर वो रिपोर्ट हमें एक इंडिकेशन देता है कि 3 3 महीने करना चाहिए या क्या, या तो फिर बंद भी कर दो। कई केसेस में जब हमें राइट लगता है कि भी एक चीज को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी आप डाल रहे हैं, तो उससे अच्छा वो दवाई को बंद कर दो। तब अगर हमें प्रिकॉशंस लेने हैं कि हमारी जानकारी के बाहर हमारे बॉडी के अंदर कुछ तब हुआ तो है बहने तो सबसे पहले तो अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। राइट क्यों? क्योंकि वहां है ना, बार बार करा के फालतू खर्चा कर रहे हो नहीं कहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है सर। जैसे अभी मैं आपको बताऊं ना, तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे 5 स्टार होटल्स के जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी जो बोल सकते हैं कि सेलिब्रिटी डॉक्टर्स होते हैं ना, वो ये करते हैं। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हुए हैं। तो अगर हमें ऐसा है कि हमें हमारा प्रिकॉशन लेना है, हो उसके पहले हमें जानना है कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसा होता है कि हमें कुछ समय के दौरान तो टेस्ट तो कराने तुम चाहिए? ऐसी अगर कोई मेडिसिन है तो चलो 3 महीने में एक बार करा लो, अच्छा या साल में एक बार तो हमें रूटीन चेकअप कराना ही है 30 साल के बाद। अच्छा उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट भी आएगा, ओके किडनी फंक्शन टेस्ट भी आएगा, ताकि नहीं अच्छा शुरू में वो पकड़ में आए। अच्छा और अगर ऐसा आपको लगता है कि ऐसी कोई मेडिसिन है जो लीवर को डैमेज कर सकती है और आप अपने आप निर्णय करना चाहते हैं, तो 3 महीने में एक बार करा लो। और अच्छा समझो 2 बार आपका बहुत अच्छे से नॉर्मल आया, तो 6 महीने में भी कराओ। फिर से अच्छा आपको लगा तो 1 साल में भी कराओ, ग्रेट क्योंकि आप सेंसिटिव नहीं हो, ओके है ना, आपके बॉडी पर असर नहीं होती। इससे हमारी एक दवाई है वो ब्लड को सीरियस डैमेज कर सकती है ना, ओके डेंजरस है एक्चुअली। तो अच्छा हाँ, किसको बोले तो व्यक्ति दवाई लेगा ही नहीं, अच्छा परंतु तो इतनी अच्छी है कि जहाँ कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, वहाँ ये उसके डिप्रेशन को, या तो एक साइकोसिस होता है विशेष रूप से, उसमें उसको ठीक करती है। ओके तो फिर बता करके अगर हम देते हैं, और शुरू में हम बार बार भी चेक करते, हर 3 दिन में भी, फिर एक बार देखा 3 4 बार की इफेक्ट नहीं हो रही है, फिर बोले 6 महीने में भी करो, अच्छा कि 90% उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा सर, अभी ये तो बात हुई हमारे लीवर की, उसके बाद अगर हम देखें तो ऑर्गन आता है पेनक्रियास। पेनक्रियाज, तो हाँ पेनक्रियास से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारी है? हाँ पेनक्रियास में जो एंडोक्राइन पार्ट है वह तो है ही है हाँ ना। जी फिर पेनक्रियाटाइटिस है, वो एक प्रकार से इन्फेक्शन है पेनक्रियास का, अच्छा कि जो कोई भी इन्फेक्शन की तरह हो सकता है। अल्कोहल से भी होता है, ओके अल्कोहल में भी 10% को पेनक्रियाटाइटिस होने की संभावना है। राइट तो मेजर रीति से देखो तो ये 2 चीज़ें हैं ओके पेनक्रियास के लिए। ओके और जो हम पूरा ही डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ना, एक बीमारी की जिसको हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, इसे तो बहुत कुछ है, अच्छा जैसे माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम्स है, डाइवर्टिकुलम्स क्रिएट होते हैं, ओके है ना, छोटे मोटे ट्यूमर्स हो सकते हैं, राइट इंटेस्टाइन्स में ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकता है राइट ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। परंतु ये जो हमारा शीर्षक है, उसके अंतर्गत अगर अच्छे से चर्चा करनी हो तो एक है जिसको कहा है इरिटेबल बावल सिंड्रोम, IBS कहते हैं, अच्छा पेशेंट को भी मालूम होता है, वहाँ के ओके शॉर्ट फॉर्म ही बोलते अच्छा कि मुझे IBS है, ओके मतलब कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम, कि ओके उनके जो बावल्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो इरिटेबल है। ओके थोड़ी सी बात में भी, थोड़ा भी एक विचार आया, तुरंत लूज मोशन हो जाएगा, ओके तुरंत कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ओके है ना। तो ये बहुत ही माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा फिजिशियन भी बताएंगे कि जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे, जब तक आप स्ट्रेस को ठीक नहीं करेंगे, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, अच्छा है ना। तो वहां पर मन का बहुत अच्छा योगदान है। राइट जो माइंड बॉडी मेडिसिन की बात हमने की थी ना, एक तो समझना तो ये है कि कहीं पे भी ऐसे मेरे इमोशंस आ जाते हैं, कि मैं अपसेट हो जाता हूँ, मैं नर्वस हो जाता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ, और तुरंत स्टमक अफेक्ट हो रहा है, तो उस पर अच्छे से काम करना चाहिए। अच्छा हाँ, कि भी जब तक मैं इसको ठीक नहीं करूंगा, वो मेरी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है ओके ना।
फिर सेकंड एस्पेक्ट है कि कैसे माइंड बॉडी मेडिसिन से हम करें, कि अच्छे से रिलैक्स हो करके आप है ना, ये एक प्रकार से देखे तो जो ग्रीन है कलर है ना, वो सूदिंग है. ओके. पिंक कलर भी सूदिंग है, ग्रीन से भी ज्यादा पिंक है, वो एक सूदिंग इफेक्ट देता है. Right. तो अच्छे से रिलैक्स करो और ये सोचो कि मैं भी शांत हूँ और वो पिंक वाइब्रेशंस मेरे सारे स्टमक पर पड़ रहे हैं. Okay. बादलों की तरह. अच्छा. जैसे ना कि भी सर दर्द होता है, कैसे हम बाम लगाते हैं, ऐसे उस पर वो बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट कर रहा है. ओके. और मेरे इंटेस्टाइन से वो स्टेबल होने लगे हैं. राइट. ना एकदम मेरे इंटेस्टाइन स्टेबल हो गए हैं. ना कोई भी बात भी हो तो भी मेरे इंटेस्टाइन ऑलवेज स्टेबल रहने वाले. पहले तो मैं स्टेबल रहूंगा इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी कोई बात आ गई तो मेरा ये ऑर्गन है वो सचमुच अच्छे से स्टेबल हो गया है. अच्छा. वो माइंड बॉडी मेडिसिन में भी काफी हेल्प मिल सकती है अगर रेगुलरली कोई व्यक्ति इसे करे तो. अच्छा. तो ये हमें, जैसे इसके पहले भी हमारी बात हुई थी, सुबह के टाइम करना है, रात को सोने के टाइम करना है, इस तरह से होता है? नहीं, मतलब दिन में एटलीस्ट 3-4 बार तो करो. अच्छा, कभी भी आप रिलैक्स नहीं, होके. पहले तो सवेरे उठो तो जो भी ये चीजें करनी है ना, क्योंकि वो सारे दिन का प्रिपरेशन है. ओके. कैसे आप स्नान करते हो, तैयार होते हो, तो ऐसे ही ये भी सोचना है कि हमारी ये सारी एक दिनचर्या का प्रिपरेशन है. ओके. और सवेरे तो जरूर करो. अच्छा. फिर दिन में कहीं ना कहीं टाइम निकालो. ये भी डिपेंड होता है कि व्यक्ति की दिनचर्या कैसी है. फिर एक बार मैं समझता हूँ उसको शाम के समय भी करना चाहिए. अच्छा. इतना तो कम से कम करे. सर, आप ये जो बता रहे हैं कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम्स, अच्छा, IBS, मतलब एक लेमेन के रूप में अगर मैं बताऊं तो जो हमारी आंतों की सेंसिटिविटी है, जो इरिटेशन होता है वो सेंसिटिव, मतलब आपकी आंतें सेंसिटिव, मेरी नहीं है, आपकी सेंसिटिव है. अच्छा. तो थोड़ा भी कुछ इमोशंस आएगा उस पर वो प्रभाव डालेगा. तो इसे हम किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, किस तरह से क्योर कर सकते हैं? मन की सेंसिटिविटी को ठीक करना पड़ेगा. हाँ. तो क्योंकि इमोशंस की सेंसिटिविटी को ठीक करना पड़ेगा. अच्छा. और मैं समझ उसको ठीक करना है तो एक तो ये करो कि ज्यादा इमोशनल नहीं हो. पहले भी मैंने आपको कहा कि हमें क्या चाहिए ना, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए. यस. है ना, अपने इमोशंस को स्टेबल बनाओ. ओके. किसी ने कुछ कह भी दिया, आप समझो किसी ने आपकी टीका कर दी, है ना, तो तब किसी को भी तो फील होगा. परंतु अगर एक स्टेबिलिटी से उस पर हम सोचे कि जब कोई व्यक्ति टीका करता है तो उसमें 0.1% तो सत्य होता है. अच्छा. वो बिल्कुल नहीं है तो नहीं करेगा. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, आप परफेक्ट कपड़े पहन के एकदम तैयार होके हमेशा ऑफिस में जाते हैं तो कोई नहीं बोला, अरे तुम कैसे भी आ गए, तुमको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कोई नहीं बोलेगा. राइट. क्योंकि वो आपकी परफेक्ट है. लेकिन अगर 5% आपकी गलती है तो कोई कहेगा कि अरे तुमको ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है. राइट राइट. तो तब हम ये पकड़े कि वो 5% क्या है. ओके. और एक सिंपल उदाहरण कि कोई व्यक्ति ऑफिस में 365 दिन समय पर पहुंच जाता है तो कोई नहीं कहेगा कि आप लेट आते हो. अगर आप 2 दिन लेट जाओ तो कोई कहेगा कि तुम तो हमेशा लेट आते हो. तो हमें वो 2 दिन को भी पकड़ना है. अच्छा. कि 2 दिन तो मैं लेट जाता हूँ ना, तो एटलीस्ट उसको तो मैं ठीक करूँ. पर सर, ये भी हो सकता है ना कि जैसे आप जैसे ये बात कर रहे हो, पर कई बार होता है कि कोई लड़की है और वो परफेक्ट कपड़े, ड्रेसिंग सब कुछ ठीक है, पर उसको हमेशा स्पोर्ट्स शूज पहनने की आदत है और वो आम जनता जो होती है, जैसे वो लोग आम लड़कियां होती है, उनका ऐसा होता है कि ड्रेस के हिसाब से चप्पल होनी चाहिए. तो अगर वो तब टीका करते हैं तो हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ खराब ना हो, बट उस वक्त हमें ये लेना चाहिए कि ठीक है, उनको ये सही लगा, मैं परफेक्ट हूँ, ये तो मेरा नजरिया नहीं, है. आप बोल भी दो कि मुझे स्पोर्ट्स शूज पसंद, मतलब वहां बात होती है नजरिए की. हाँ. कि आपकी नजर से आप सही हो, मेरी नजर से मैं सही हूँ, मैं आपको गलत मानूंगी तभी मुझे ऐसा लगा कि ये इसने ऐसे कैसे बोला, पर आप सही हो, मैं भी सही हूँ, तो फिर दुख होने की कोई आशंका नहीं. या तो ये कहेंगे कि भी दूसरे की राय को ज्यादा तवज्जो नहीं दो. एग्जैक्टली. उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस आप नहीं दो. ओके.
अच्छा सर, ये जो हमारी बात हो रही है कि ये तो चलो सेंसिटिव दिमाग है उसके बारे में हुई, हमारे स्वभाव के बारे में हुई और नज़रिए के बारे में हुई, पर हमारी आंतों की जो सेंसिटिविटी है वो उसे इससे दूर। रिलेटेड है ना, अच्छा, पर कि जो यहाँ सेंसिटिव है वो वहां असर कर रहा है। सर हर बार तो ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं इमोशंस की जो असर लोग वहाँ पे। है, जैसे भी अच्छा जो नहीं है वो नहीं होगा, ओके। कि भी जो लोग ऐसे, अभी मैं एक जानता हूँ किस्सा, कि भाई वो बहन एकदम सेंसिटिव है, उनकी मदर की डेथ हो गई तो अच्छा उनके परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है, तो कि अच्छा भाई न्यूज़ इसको कैसे बोले, ओके। अच्छा जैसे उसको बोलेंगे उसके लूज मोशन शुरू होने वाले, वो बड़ी युक्ति युक्त तो बोला तो भी उसके स्टार्ट हो गए, क्योंकि अच्छा वो सेंसिटिव है वहाँ, है ना। तो ठीक तो यहाँ करना है, ओके। तो यहाँ ठीक हो गए तो आते ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। सर उसके लिए कोई दवाई ले सकते हैं? दवाई भी, कुछ कुछ दवाइयाँ हेल्पफुल है भाई, ये तो जैसे भी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का विषय है, परंतु साइकेट्री की भी कुछ मेडिसिन हेल्प करती है, ओके। और सचमुच ये नोन फैक्ट है कि ये मेडिसिन वो लोग भी देते हैं। राइट। हाँ, एक है ना ट्राईसाइक्लिक है, ट्रिप्टोमर नाम की दवाई है, वो अच्छा। एक्चुअली एंटी डिप्रेशेंट है, लेकिन वो आईबीएस में काफ़ी मदद करती राइट है ना, राइट। दोनों रीति से। एक तो वो स्टेबिलिटी भी निर्माण करेगी, और आंतों पर भी उसकी पॉजिटिव इफेक्ट है, कि जो लूज ओके मोशन होते हैं ना, लूज मोशन कम हो जाएंगे वहाँ पर। राइट। तो जब जब डॉक्टर को प्रॉपर बताइए, मेडिसिन भी लो, परंतु सबसे ज़्यादा जो काम करना है ना, मन पर करना, सही है आपके आहार पर करना है ओके। ना। सर हाँ आपने अभी हमें जो आईबीएस की ट्रीटमेंट के बारे में बताया तो वो सीरियसली बहुत अच्छी है। अभी अगर सबको उसके बारे में समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि अब इतना वो भारी भरकम बीमारी लगेगा, क्योंकि ये सीधा दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है और दिमाग को कंट्रोल करने के लिए एक ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, और वो है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाएं, बस सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। सर आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और अभी फिर से एक बार समय की मर्यादा आ रही है तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम ओम शांति। शांति। दोस्तों आज के एपिसोड में हमने देखा कि हमारी जो पाचन प्रणाली है उसमें, जिसे आंतों की बीमारी है तो उसमें आईबीएस जो होता है उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, और उसके लिए भी हमें एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, वो है हमारे जो सेंटिमेंट्स है, हमारे इमोशंस है, उसको कंट्रोल करना है, जिसकी हमने शो शुरू हुआ तभी बात कर ली थी कि हाँ हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, और लीवर से जुड़ी काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में बात हुआ। तो ओवरऑल अगर हम पूरी बात करें कि किसी भी बीमारी की, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं पर उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं, तो एक ही चीज़ है कि हमें खान पान में ध्यान रखना है, हमारे इमोशंस है, हमारा स्ट्रेस लेवल है उसको कम करना है, तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना पड़ेगा। तो आज से ही आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो कि उसके लिए हमें क्या करना है। तो दिन में एटलीस्ट एक बार आप अपने आप से बात करें, अपने आप से बातें करें, और ये देखें कि आप सही जा रहे हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या कुछ गलत तरीके से सोच रहे हो। भगवान को याद करें, शांति में बैठे, शांति का अनुभव करें, और अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं या आपका कोई भी ऑर्गन वीक है तो आप उसे मेडिटेशन करने के बाद अपने आप से बात करते हैं, इसी तरह से उस ऑर्गन से बात करें, उसको विजुअलाइज करें, उसका चित्र निर्माण करें, और उसको ये वाइब्रेशन दे कि आप एकदम ठीक हो गए हो, आप एकदम रिलैक्स हो। इस तरह से करने से वो चीज़ आपसे, मतलब जो ऑर्गन वीक है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी बीमारी में से आपको निजात मिल जाएगी। तो आज हमारी जो पाचन प्रणाली है उसके बारे में जो बात कर रहे थे वो सब कंप्लीट हुई। हमने काफ़ी सारा सर से जाना, हमें डॉक्टर गिरीश पटेल ने काफ़ी सारा एजुकेशन दिया, पाचन प्रणाली क्या है, उससे कौन कौन से ऑर्गन्स जुड़े हैं, हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और वो बीमारियों की ट्रीटमेंट क्या है, और अगर वो हमें बीमारियाँ न हो उसका ध्यान रखना है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इसके बारे में हमने काफ़ी एजुकेशन ले लिया। और अब अगले एपिसोड में हम किसी एक और नई बीमारी के साथ आपके सामने आएंगे और उसके बारे में आपको एजुकेट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी जाकर फिर वापस आने के लिए। थैंक यू सो मच।